please subscribe our channel Nagaland Genius Electronics. Please subscribe our channel Nagaland Genius Electronics. वेलकम फ्रेंड, आज आपको हम लॉजिक कार्ड या लोकल कार्ड के बारे में आपको हम बताएंगे। ये लॉजिक कार्ड है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या फंक्शन है, मैं सब आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले SG3524 IC है, ये जो है पल्स जनरेटर आईसी है, इसमें पल्स जनरेट करता है मॉस्फेट के लिए। उसके बाद फंक्शन आईसी है LM324, उसके ऊपर एक दो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, एक जो है चार्जिंग के लिए है सफ़ेद वाली, और काली वाली है मेन सेंसिंग इनपुट के लिए। ये ख़राब हो जाएगी तो मेन सेंसिंग इनपुट नहीं होगी, ये वाली आईसी ख़राब हो जाएगी तो फंक्शन काम नहीं करेगा। और यहाँ पे दो लगे हुए हैं, एक यहाँ पे LM324 है, ये ख़राब हो जाएगी तो चार्जिंग हाई लो या फिर चार्जिंग नहीं देगा, ये वाली दोनों आईसी ख़राब हो जाएगी तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये जो रिले है, आउटपुट रिले है सफ़ेद वाली, एक या छोटी रहती है वो चार्जर रिले है। और ये जो प्रीसेट लगी हुई है ओवरलोड की सेटिंग है, इसे ओवरलोड सेटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो है इसे आउटपुट सेटिंग किया जाता है, जो आउटपुट जो निकलती है इसमें से उसकी वोल्टेज सेटिंग की जाती है, इसे फ्रीक्वेंसी सेटिंग की जाती है। अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी 50 Hz में तो फैन नहीं चलेगी, लाइट जलेगी लेकिन फैन नहीं चलेगी। यहाँ पे जो है ये वाली सेटिंग है ड्राइव सेटिंग है, ड्राइव मतलब जो आप इसमें लोड देते हैं, इसीलिए लोड वो सह लेता है कि नहीं, इसके लिए सेटिंग किया जाता है। तो देखिए आप ज़्यादा लोड देंगे तो दबने लगता है, इसीलिए इसे सेटिंग किया जाता है ड्राइव सेटिंग। ये मॉस्फेट के वोल्टेज हैं 5 वोल्ट, गेट में 5 वोल्ट हो जाएगी, बीच वाली में 12 वोल्ट और तीसरी वाली में 0 वोल्ट। 0 वोल्ट हो गया सोर्स, 12 वोल्ट हो गया ड्रेन, 5 वोल्ट गेट में। उसके बाद दो प्रीसेट यहाँ पे हैं, एक चार्जिंग एम्पियर का प्रीसेट है, ये इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये चार्जिंग एम्पियर बढ़ेगी, प्लस होगी, और ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो ये एम्पियर घटेगी। और एक यहाँ पे है प्रीसेट, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो चार्जिंग करेगी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो चार्जिंग कट हो जाएगी। जैसे चार्जिंग वोल्टेज सेटिंग किया जाता है, जैसे आपको 14 वोल्ट सेटिंग करके इसको कट करनी है इसको, और ये एम्पियर सेटिंग कर सकते हैं, जैसे 9 एम्पियर से 13 एम्पियर सेटिंग करनी है इसको। इसमें मॉस्फेट टूट जाती है ज़्यादातर, तो मॉस्फेट जब ख़राब हो जाएगी तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 557, ये भी ख़राब हो जाती है। जब ये ख़राब होता है आईसी ख़राब हो जाती है। उसके बाद आईसी लगाने से कभी कभी ऑन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये इसकी सर्किट डायग्राम है SG3524 की, ये सर्किट डायग्राम है, ये 557 लगी हुई हैं दो, ये जब ये शॉर्ट हो जाती है आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो पिन नंबर 1 जो है पिन नंबर 1 ये आपकी जो आउटपुट की जो वोल्टेज कितनी है वो सेंस करती है, उसके हिसाब से सेटिंग यहाँ मिलाया जाता है। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यहाँ मिलाया जाता है। पिन नंबर 2 में जो है आपको कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है, पिन नंबर 16 से यहाँ 5 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ दिया जाता है।
तीन नो कनेक्शन है, चार और पांच ये नेगेटिव सप्लाई हैं, छह जो है फ्रिक्वेंसी सेटिंग के लिए है, सात ये ऑसिलेटर कैपेसिटर लगा रहता है यहाँ पे, ये अगर कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगी तो ये स्विचिंग पल्स निकलेगा नहीं यहाँ से, आठ ग्राउंड है ये, नौ एक ये आपका यहाँ पे वोल्टेज कॉन्स्टेंट बनाया जाता है, दस इसकी मेन आईसी की कहानी पिन नंबर दस पे है, कि दस पे अगर वोल्टेज यहाँ से आएगी, तीन डायोड लगे हुए हैं देखिए, तीन डायोड लगे हुए हैं, एक मेन से आएगी, जब मेन लाइन आएगी तो ये इसमें जब वोल्टेज आ जाएगा तो ये शट डाउन हो जाएगा प्रोसेस का निकालना, उसके बाद लो बैटरी जब देगी तब ये भी ऑन हो जाएगी, जब ऑन हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगी, ओवरलोड से भी आता है सिग्नल, जब ये तीनों जगह से सिग्नल आएगी तो ये ऐसी काम नहीं करेगी, तो आपको इसमें देखना है कुछ ये तीन सेक्शन में गड़बड़ी तो नहीं है, तो जबकि ये ऑन नहीं होगी। इसमें दो एसीआर लगे हुए हैं, एसीआर में इसमें 220 वोल्ट घुसेंगे रिले के थ्रू और निकलेंगे 100 वोल्ट, 140 वोल्ट चार्जिंग के लिए, इसे बैटरी चार्ज होगी और आपको 324 के बारे में मैंने बता ही दिया। इसमें SG3524 जो आईसी है इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ सेटिंग ऐसी है, जब पिन नंबर 10 पे वोल्टेज हाई हो जाएगी तो कितने भी कर लीजिए वोल्टेज से ऑन नहीं होगी, इसीलिए पिन नंबर 10 में जो तीन सेक्शन में सप्लाई आ रही है, जो डायोड यहाँ लगे हुए हैं, ये तीन डायोड जो देख रहे हैं ये वही सेटिंग की आई हुई है, इसमें आपका मेंस का है, एक ओवरलोड का, एक लो बैटरी का है। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।